अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि सब भाई ठीक ठाक होंगे। अच्छा, मुझे एक भाई ने कमेंट किया था कि एहसान भाई, जो मेरे पास पट्ठा है ना, पता नहीं क्या हुआ है, उस पट्ठे की ना दुम टेढ़ी हो गई है। जो उसकी दुम है ना, ये वाली, ये टेढ़ी हो गई है इस तरह ऐसे। इसका आपको इलाज बता दें, ठीक है? तो जी, ये बड़ी एक अहम बात है जो मेरे भाई ने मुझसे पूछी है। तकरीबन मैंने नोट किया कि अक्सर मुझे कमेंट्स वगैरह भी इस चीज़ पे आते रहते हैं कि मादी की दुम टेढ़ी उग रही है, मुर्गे की दुम टेढ़ी उग रही है, तो क्या ये खुद ही ठीक हो जाएगी, ये वो कमेंट आते रहते हैं। लेकिन एक भाई ने कॉल्स की हैं मुझे बार बार कि एहसान भाई, यहाँ तो वीडियो बना दें या मुझे बता दें कि पट्ठे की दुम ना टेढ़ी हो गई है, ठीक है, उसका क्या इलाज है, दुम कैसे सीधी हो गई है। इस मौजू के ऊपर हमारी आज की वीडियो है, तो इंशाल्लाह आपको पूरा इलाज बताएँगे और ये भी बताएँगे दुम टेढ़ी होती क्यों है, क्या मसला होता है, ये भी आपको बताएँगे। और जो भाई नए मुझे देख रहे हैं उनसे गुजारिश करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सील मुर्गों के मतलब प्यारी प्यारी वीडियोस आप तक आती रहें। तो सबसे पहले लॉजिक हमने ये समझनी है कि ये पट्ठे की जो दुम होती है ये वाली, ठीक है, इसका क्या, इसका जो जोड़ होता है और इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, ये चीज़ समझनी है हमने। ये देखिए, ये दुम है ना, ये देखिए, ये इसको मैं पकड़ के महसूस कर रहा हूँ, इसका जोड़ बिल्कुल सीधा है। ये देखिए, पीछे से भी मुझे महसूस हो रहा है और आगे जो इसकी दुमची है, ये देखिए, बिल्कुल ये सीधी है, ठीक है, कोई इधर को भी नहीं हुई ना ही इधर को ही, ये बिल्कुल सीधी है। जब आपके मुर्गों की या पट्ठों की ये दुम का जोड़ अगर टेढ़ा हो जाएगा ना किसी वजह से, मुराद ये है कि अगर आप उसे किसी तोड़े में डाल के लेके आते हैं, ठीक है, या अगर आप उसे किसी छोटी जगह पे बंद करते हैं, उसकी दुम हर वक्त ऐसे रहती है, ये देखें, हर वक्त उसकी दुम टेढ़ी रहती है, किसी ऐसी तंग जगह पर बंद करने से या तोड़े में डाल के आप किसी जगह भेजते हैं उसको, तो ये जोड़ उसका हो जाता है टेढ़ा। जब ये जोड़ टेढ़ा हो जाएगा ना थोड़ा सा, तो फिर उसकी दुम टेढ़ी हो जाएगी, फिर आप उसे चाहे लाख बार बार सीधा करें, ये जोड़ जब तक उसका सीधा नहीं करेंगे तब तक उसकी दुम सीधी नहीं होने वाली नहीं है। ये लॉजिक है कि दुम टेढ़ी होती क्यों है, ये बात है। और कुछ पैदाइशी दुम टेढ़ी होती है, ये पैदाइशी दुमची का जोड़ टेढ़ा होता है, उसको भी हम ठीक कर सकते हैं, उसका भी इलाज है बिल्कुल। अब आपने करना ये है, आपने खालस जैतून का तेल लेना है, खालस जैतून का सिर्फ आपको तेल चाहिए, कामयाब तीन इलाज है उसका, ठीक है। तेल लेने के बाद आपने इस जगह के ऊपर, ये जो जोड़ आपको नज़र आ रहा है दुम का, इस जगह के ऊपर आपने तेल की मसाज करनी है और जोड़ सीधा करना है आपने। अगर आपके मुर्गे का जोड़ उस साइड पे आपको महसूस हो रहा है तो आपने मसाज कर कर के ज़ोर ज़ोर से उसे इस साइड पे करना है ताकि देखें ये जोड़ सीधा इसका हो जाए। ज़ोर से मजबूती के साथ आपने इसको हिलाना है जोड़ को, जहाँ उसको दब आई है, कोई नस दब गई है जिस वजह से उसकी दुम टेढ़ी हो जाती है, आपने वो चीज़ ठीक करनी है। ये देखिए, मैं अभी आपको तफसीलन बताता हूँ। ये देखिए, मैंने इसकी दो जोड़ पकड़ लिया ना, बिल्कुल सीधा है, ऊपर से आ रहा है जोड़, ये सीधा है बिल्कुल, नीचे तक सीधा है, कोई मुझे टेढ़ा नहीं लग रहा कि इधर को गया हो मैं, कहूँ यार ये ऐसे है या ये ऐसे है या ये ऐसे है, नहीं, ये बिल्कुल सीधा है। अब जिस मुर्गे की या मादी की या पट्ठे का दुम टेढ़ी है बिल्कुल, आपने उसका पहले जोड़ देखना है कि जोड़ सीधा है या नहीं सीधा, इधर से पता चलेगा आपको, ऐसे ऊपर से आते रहेंगे ना, अगर आपको नज़र आ रहा है कैमरे में, अगर आपको नज़र आ रहा है कैमरे में, तो ये आप ऐसे हाथ फेरेंगे तो आपको पता चलेगा। जैतून का तेल लेके आपने तकरीबन 5-6 मिनट तक सुबह और 5-6 मिनट तक शाम को उसकी मालिश करनी है और उसे सीधा करना है आपने, मालिश करके उसको इस तरह सीधा करना है आपने। जब आपने उसकी 2-3 दिन मालिश कर लेनी है, उसके बाद आपने डॉक्टरी पट्टी लेनी है, जो डॉक्टरी पट्टी होती है ना, जो अक्सर हम कोई चोट लग जाए तो जाली वाली पट्टी डॉक्टर करते हैं, वो पट्टी लेनी है उसके बाद आपने, डॉक्टरी पट्टी जो होती है वो पट्टी आपने इसकी, उसको भी जैतून का तेल लगा के आपने इसके जोड़ के ऊपर फुल टाइट करके लपेट देनी, इतनी टाइट भी नहीं करनी, नॉर्मल सी टाइट करके लपेट देनी आपने इसकी दुम के जोड़ के ऊपर, जोड़ के ऊपर। कोशिश ये करनी है कि जोड़ उसकी दुम का सीधा ही रहे, जोड़ उसकी दुम का सीधा रहे, कोशिश आपने ये करनी है। और अगर आप ज़्यादा अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल मामला एक्यूरेट हो जाए, छोटी छोटी दो फटियाँ होती हैं, छोटी छोटी फटियाँ होती हैं लकड़ी की, दो इतनी लेनी है आपने, एक आप इस साइड पे रख सकते हैं, एक इस साइड पे, एक जो एक आपने रखनी है इस साइड पे और एक उस साइड पे, दोनों लकड़ी के टुकड़े रख के उनके ऊपर आपने पट्टी कर देनी है, ये दुम उसके बीच आ जाए, और बिल्कुल दुम सीधी रखनी है आपने, बिल्कुल एक्यूरेट दुम रखनी है। पहले 3 दिन सिर्फ मसाज करनी है आपने और कोई पट्टी छट्टी नहीं करनी है आपने। 3 दिन के बाद आपने लकड़ी के 2 टुकड़े साइडों पर रख के दुम सीधी करके पट्टी लपेट दें ऊपर, ठीक है, और 2 दिन पट्टी लपेटी रहे, उसके बाद पट्टी खोलें, फिर दुम के जोड़ की मसाज करें। ये तकरीबन 15 दिन का मरहला है,
15 दिन का मरहला है ये वाला, आपके मुर्गे की दुम बिल्कुल एक्यूरेट सीधी हो जाएगी, क्योंकि जारी बात है जहाँ जिस साइड पे वो टेढ़ी है आपने उस साइड से उसे सीधी तरफ लेके आना है, मसाज करके उसको डिंगी तरफ से सीधी तरफ लेके आना है आपने। अगर दुम उसकी ऐसे है ना मुर्गे की, तो आपने इधर को लेके आनी है, ज़ोर ज़ोर से उंगलियों के साथ मसाज करनी है उसकी, और बाद में लकड़ी की दो फटियाँ रख के दोनों साइडों पे ऊपर आपने पट्टी काट देनी है। जब पट्टी करके छोड़ें तो मुर्गे की दुम बिल्कुल सीधी आपको नज़र आनी चाहिए कि उसकी दुम बिल्कुल सीधी है, तो इंशाल्लाह ताला आपके मुर्गे की दुम बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ये मैंने प्रैक्टिकल के लिए एक पट्ठा पकड़ा हुआ था, इसको भी नीचे छोड़ देते हैं। तो यही तरीका है जिसका कामयाब। और अगर आप कहें कि उसकी दुम के बाल सारे खींच दें एक बार, हम दोबारा नहीं उगाएंगे तो दोबारा फिर उन्होंने टेढ़ी उगना है, जारी बात है उसका जोड़ डिंगा है, जब तक उसका जोड़ दुमची उसकी टेढ़ी है तब तक आप उसकी जितनी मर्जी दुम बार बार उखेड़ें हर बार वो टेढ़ी उगेगी। उसकी दुमची की मालिश करके अच्छी तरीके के साथ आपने उसका जोड़ सीधा करना है, तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। किसी बात की समझ ना आई हो, कोई बात रह गई हो मुझसे जो बताने वाली मैं बता ना पाया हूँ, व्हाट्सअप में मुझे या व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके, कमेंट के अंदर मेरा नंबर होता है, भाई पूछते हैं कि नंबर किधर है, कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर होता है मेरा, वहाँ से नंबर ले लें, मुझे या व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, मिल जाएगा किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।